बरेली। सिखों के साथ में गुरु श्री हर राय जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे मन्यारो गली में स्थित है, वहां पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया और अमृत कुंड का भी शुभारंभ हुआ। इसके बाद शब्द कीर्तन हुआ, गुरु का लंगर अटूट बांटा गया। ये जानकारी गुरुद्वारे के प्रबंधक MP सिंह जी ने दी। सर क्या कार्यक्रम है आज? आज गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में एक अमृत कुंड की स्थापना की गई है। आज दिन वीरवार 25 तारीख को इसकी शुभारंभता की जा रही है, जिसमें कि बरेली की समूह साथ संगत बड़ी खुशी के संग इस अमृत कुंड का जो निर्माण किया गया है बड़ी खुशी से स्वीकार कर रही है। इस पक्ष में एक कीर्तन दरबार किया गया है, कब चल रहा है, जो कि रात को 9:30 बजे तक चलेगा। उपरांत पूरी संगत के लिए गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। अमृत पियो सदा चित जियो। आज गुरु हर राय जी का प्रकाश पर्व भी है, वो भी बड़ी खुशी से संगतें धूमधाम से अंदर कीर्तन सुनते हुए मना रही हैं। यही प्रोग्राम है जी आज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है हरप्रीत सिंह जिंदरा। सर क्या कहना चाहते हैं? वाह जी का खालसा, वाह जी फतेह। गुरु कृपा करे, आज के दिन हम गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब मन्यारन वाली गली बरेली में अमृत कुंड की स्थापना करी है यहाँ पे, और कीर्तन में कहा जा रहा है अमृत पियो सदा चिर जियो, अमृत हर का नाम है, प्रभु परमेश्वर हरि का नाम है, उस नाम से सब कुछ प्राप्त होता है। और आज हमारी पातशाही गुरु हर राय जी का भी जन्म दिहाड़ा है, उसको मुख रखते हुए कीर्तन दरबार रखा गया है यहाँ पे, और लंगर अटूट बरतेगा। गुरु कृपा करें, मेरा सत्य पातशाह भाई खास लगता है। डॉक्टर गुरदीप सिंह चीमा, क्या कहना चाहते हैं? जो संगत द्वारा उपराला किया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा कदम है संगत के लिए, संगत की बेहतरी के लिए, क्योंकि अमृत एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर संगत को हर जगह ज़रूरत है। और कुछ लोग या सभी लोग लगभग यहाँ से सुबह अमृत लेकर अपनी दुकानों पर छिड़काव करते हैं, कुछ घरों में ले जाते हैं, उससे एक धार्मिक भावना को बढ़ोतरी मिलती है। और ये हमारे बरेली में एक पहला प्रयास है इस गुरुद्वारे का, और इसके लिए मैं प्रधान साहब का बहुत अति धन्यवाद करता हूँ संगत की तरफ से कि उन्होंने इस तरीके का ये उपराला करने की कोशिश की।